ओके सो गाइस लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर रील्स एडिटिंग। सो गाइस ओरिजिनल ऑडियो पे जो है मिलियन तक बिज गया है इस सॉन्ग के ऊपर, ट्रेंड का तबाही चल रहा है इसके ऊपर। सो गाइस सबसे पहले हम लोग VN एडिटर में ओपन कर लेते हैं हमारी वीडियो को। सो इस एडिटिंग को करने वाले हैं VN एडिटर प्रीक्वेल एंड कैपकट में। सो वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाले है, वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है यार। और सबसे पहले हम लोग स्काई चेंज कर लेते हैं। सो गाइस ये वाला स्काई मैंने डाउनलोड किया है, सो आप लोग को लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाए करेगी। इसको हम लोग कलर ग्रेड भी करने वाले हैं खतरनाक वाला। ओके सो सबसे पहले हम लोग मास्क पे क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ से लाइनर पे क्लिक करेंगे दो बार और इसको हम लोग फेड लुक देंगे जैसे कि बैकग्राउंड में चलने लगे। ओके सो इसी टाइप से हम लोग रखेंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा इस टाइप से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मॉडल ने बैकग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। सो स्काई चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके सो इसीलिए हम लोग स्काई को चेंज कर रहे हैं, खतरनाक लगने वाला है। तो इसी टाइप से आप लोग रख देना है। तो इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा स्काई चेंज करने के बाद। उसके बाद हम लोग इंटरनेट को ऑन करेंगे, चलेंगे प्रीक्वेल एप्लीकेशन में। आज जो फिल्टर बताने वाला हूँ वो सबसे बड़े बड़े क्रिएटर यूज़ करते हैं इस वाली फिल्टर को। सो प्रीक्वेल को ओपन करना है तो आप लोगों को लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाए करेगी और प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। सो गाइस सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करके हम लोग हमारे वीडियो फुटेज को ले लेंगे जो VN में हमने सेव किया था स्काई चेंज करके। सो ये वाला जो वीडियो है यहाँ से मैं आप लोगों को बहुत सारे फिल्टर बताने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहिएगा। सो सबसे पहला फिल्टर गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाए करेगा एक फिल्टर, तो मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ से फिल्टर में गाइस आप लोगों को कर देना है क्लिक इंडिको, ये वाला फिल्टर है गाइस, ये एक नेक्स्ट लेवल फिल्टर बन जाता है। इसका यूज़ करके आप लोग इंस्टाग्राम पर क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये भी एक एस्थेटिक वाला फिल्टर है। ओके सो हम जो फिल्टर यूज़ करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक प्रोफेशनल फिल्टर है गाइस, सबसे बड़े बड़े क्रिएटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्च आइकन पे क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ से सर्च आइकन पे, सो यहाँ से WIEN इसे लिख देंगे तो आप लोग ये वाला फिल्टर आ जाएगा, पिंक कलर से देख सकते हो। ये वाला फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो क्या ही लगेगा स्काई में, जो स्काई चेंज हुआ है खतरनाक बन चुका है आप लोग का वीडियो। तो ये फिल्टर को 100% आप लोग को रख देना है और यहाँ से डन कर देना है और देख ही सकते हो फिल्टर गाइज नेक्स्ट लेवल बन चुका है, ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइज ये वाला फिल्टर। आप लोग बिल्कुल नया नया आया हुआ है, आप लोग यूज़ कर सकते हो इसे। और यहाँ से एडजस्ट में आकर आप लोग थोड़ा सा आप लोग को शार्पन को यूज़ कर लेना है। ओके सो 13 से 14 या फिर 20 का अराउंड रख सकते हो। ओके सो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग इस वाले वीडियो को सेव कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। 100 होने के बाद एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके सो यहाँ से सेव टू गैलरी ये क्लिक कर देना है और उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे प्रीक्वेल एप्लीकेशन से। सो यहाँ से हम लोग इंटरनेट को ऑन ही रखेंगे। सो टर्बो VPN गाइस प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री मिल जाता है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो ये वाला VPN है, सो इसको कनेक्ट कर देना है। टैप टू कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस कैपकट जो है ना VPN के बिना नहीं चलता है, तो याद रखिएगा VPN को जरूर से ज़रूर कनेक्ट कर लीजिएगा। सो हम लोग ओपन कर लेते हैं कैपकट एप्लीकेशन को और यहाँ से हम लोग लिरिक्स को लिखेंगे, खतरनाक एनिमेशन देंगे। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में चलेंगे, सबसे पहले फोटोज़ में जाएंगे, हमारे जो फोटो है ब्लैक पेज इसे ले लेंगे। सो ब्लैक पेज लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाए करेगा, सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे लिरिक्स को। ओके सो ये वाला एंडिंग पेज को डिलीट कर देना है। तो आप लोग को यहाँ से ऐड ऑडियो लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, फाइल में क्लिक करना है एक्सट्रैक्टेड पर और म्यूजिक को ले लेना है। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे म्यूजिक, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, आप सब इसी टाइप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके तो ये ब्लैक पेज को स्क्रॉल करके म्यूजिक के अकॉर्डिंग रख देना है। ओके तो रख देने के बाद आप लोग को यहाँ से टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से बैक बटन पे क्लिक करके बैक आ जाना है। तो मैच आउट पे क्लिक करना है गाइस, यहाँ से बीट ऐड करना है गाइस, यहाँ से स्क्रीन पर आ जाए करेगा मेरे बीट या पॉइंट आप लोग देखकर लगा सकते हो। ओके सो बीट पॉइंट लगा देंगे तो आप लोग को लिरिक्स को लिखना आसान हो जाता है, जैसे कि आप लोग म्यूजिक सुनकर बीट को
लगाओगे वैसे ही आप लोग लिख पाओगे। ओके, लिखोगे लिरिक्स को बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये वाला लिरिक्स का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग बैक चल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मेट पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप लोग को पहला जो टेक्स्ट है उसे लिख देना है खुशी, और इसे डन कर देना है। ओके, तो आप लोग को इसी टाइप से ही लिखना है लिरिक्स को। इसको पॉइंट को फर्स्ट बीट के अंदर रखेंगे। ओके, तो ये वाला टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर। और यहाँ से स्टाइल पर जाकर आप लोग बहुत सारा फॉन्ट मिल जाता है, आप लोग चूज़ कर सकते हो। हम लोग ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग का पसंदीदा फॉन्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसके ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट जो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे। सभी टेक्स्ट को आप लोग इसी टाइप से लिख देना है, और लिखने के बाद आप लोग को फॉर्मेट पे गाइस क्लिक कर देना है और 9:16 रख देना है। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस आप लोग को ऊपर की ओर एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियोस पे चलना है, जो वीडियो आप लोगों ने सेव किया था उसे फिर से ओपन करना है। ओके, तो उसके बाद आप लोग प्ले करके देख ही सकते हो, और जहाँ पे खुशी एंड होता है वहाँ पे आप लोग को स्प्लिट मारना है। जहाँ से आप लोग एक पल एंड होता है वहाँ पे आप लोग को स्प्लिट मारना है। ओके, एक पल यहाँ से एंड हो जा रहा है तो यहाँ से स्प्लिट मार लेते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग एक लिरिक्स के बाद आप लोग को स्प्लिट करना है। उसके बाद एंडिंग पेज को डिलीट कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन में गाइस आप लोग को चलना है, कॉम्बो पे चलना है। तो यहाँ से आप लोग को क्यूब एक एनिमेशन मिल जाता है, इसको आप लोग को टैप कर देना है। तो ये खतरनाक एनिमेशन दे देता है, जैसे नंबो रंग की तरह एनिमेशन। ओके, तो यहाँ से क्यूब 4 क्यूब 5 ये सर एनिमेशन को आप लोग दे सकते हो। ओके, तो यही वाले एनिमेशन आप लोग को ट्राई करना है गाइस, और बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पे मिल जाते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं देख अपना पसंदीदा भी यूज़ कर रहा हूँ, और क्यूब 4 को भी यूज़ कर रहा हूँ क्यूब एनिमेशन को। ओके, सो याद रखिएगा क्यूब जो ही खतरनाक एनिमेशन दे देता है। सो इसी टाइप से एनिमेशन आप लोग यूज़ कर लेना है, और एनिमेशन यूज़ करने के बाद आप लोग को एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की ओर, और ये वाला वीडियो को सेव करने के लिए सुहान आप लोगों को एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये वीडियो सेव हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग को VN एडिटर को ओपन करना है। ओके, तो VN एडिटर यहाँ से आप लोग ओपन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे चलकर आप लोग जो वीडियो सेव किया था प्रीक्वेल में उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप लोग को म्यूजिक सबसे पहले ऐड करना है। ओके, सो म्यूजिक आइकन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे चलना है, और उसके बाद आप लोग को प्लस आइकन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे चलना है, और म्यूजिक पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसी टाइप से। तो यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा म्यूजिक को, और यहाँ से डन कर लेते हैं। तो हमारे वीडियो जो है ये ब्लैक पेज को डिलीट करना है, तो हमारे वीडियो जो है स्लो मोशन थोड़ा सा करना है, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग हम लोग को रखना है। रेगुलर पे चले जाइएगा, और यहाँ से स्पीड से स्लो मोशन हो जाता है, तो म्यूजिक देख ही सकते हो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हम लोग म्यूजिक के अकॉर्डिंग वीडियो को रख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग टैप एंड ऐड स्टिकर पे क्लिक करेंगे गाइस। सो यहाँ से टैप एंड ऐड स्टिकर पे, और फोटो एंड वीडियो पे चलेंगे। जो लिरिक्स को आप लोगों ने सेव किया था खतरनाक एनिमेशन वाला, उसके ऊपर टैप कर देना है, और इसको बड़ा करके ऐसे रख देना है। और उसके बाद आप लोग को ब्लेंडिंग में चलना है। तो यहाँ से आप लोग को स्क्रीन रख सकते हो, या फिर कलर डॉज रख सकते हो। ओके, सो ये दो इफेक्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो स्क्रीन रखेंगे तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और कलर डॉज जो है उसे रखेंगे तो आप लोग का टेक्स्ट में एक कलर टाइप का आ जाता है। तो ये वाला कलर डॉज को, ओके, सो यहाँ से आप लोग ओपेसिटी को फुल ही रखिएगा। तो मैंने देख रहा था कि कैसे लग रहा है ओपेसिटी को कम करके, कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो हम लोग ओपेसिटी को फुल रख देंगे, और प्ले करके गाइस देख ही सकते हो म्यूजिक के साथ तो खतरनाक लग रहा है। और ट्रेंडिंग सॉन्ग है गाइस, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए करेगा, और खतरनाक एनिमेशन इसी टाइप से आने लगेगा आप लोग का लिरिक्स। और ये वाला एनिमेशन गाइस आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो गाइस फिल्टर गाइस कैसा लगा, कमेंट करके सब बता दीजिएगा, और वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और प्ले करके देख ही सकते हो खतरनाक एनिमेशन के साथ आप लोग का वीडियो आने लगेगा। और कुछ नया आप लोग इस वीडियो को सीखने मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरल रील्स एडिटिंग में।